सरयाम रास्ते के ऊपर है बिल्कुल। हाँ यहाँ आवागमन है, ये नहीं कि कोई जंगल में ले जा काम किया ऐसा। ना ना ना, कई बेचारे स्कूल में लग रही झाड़ू लगावे स्कूल में सरकारी। हाँ जैसे पब्लिक भेड़ी हुई तो आपस में उनको घर को झगड़ बता रही। आपके घर के मातर ये मुश्किल से 50 मीटर दूरी पे ये वाका हुआ होगा, सामने बटोरा दिख रहा जो। यहाँ से वो मातारम बोली और उसका हस्बैंड जो है ऊपरे लेने के लिए यहीं से दोनों एक साथ गए हैं। दोनों एक साथ गए ना जी? जी, यहाँ से दोनों एक साथ गए हैं और इसी रास्ते से ही ये सामने बटोरा है। मैं आपको वो भी जगह दिखाऊंगा कि कहाँ वारदात हुई, कहाँ उसको जलाया गया, कैसे क्या हुआ, मैं आपको वो भी जगह दिखाऊंगा। देखिए ये सामने बस्ती है, ये सामने बस्ती है और इसी रास्ते आए हैं और ये वो बटोरा है जहाँ पे ऊपर लेने के लिए अंदर घुसे हैं और यहाँ वारदात हुई है और यहाँ उसके शव को जलाया गया है। आज जला होने के बाद ये साफ साफ तस्वीरें आप लोग देख रहे हैं और मैं गांव के लोग मौजूद है स्पेशल यहाँ इसी मारे आए हैं, कुछ बात एक दो और पूछेंगे। हाँ जी, यहाँ इसी जगह जलाया जी उनको जी, और इस बटोरे में से जो है ऊपर लेने के लिए इसमें से ऊपर निकाल। अच्छा, अमला अंदर हुआ है कि बाहर हुआ है जी? हमें बाहर मिली थी, हमें यहाँ बाहर ऊपर आंच लगी हुई। अच्छा, ये वाका कितने बजे का जी, दिन का रात का जी? दिन का ही है, 10 बजे करीब जी। मुश्किल से ये 150 मीटर दूरी मकान है, या आवाज नहीं आई? नहीं जी, बिल्कुल किसी है नहीं, या फिर चोट ऐसी गहरी मारी थी एक लगते हैं। कुछ भी है, किसी आवाज नहीं आई, किसी रोरोटा नहीं मिला, मिलता तो इसे हर कोई बचाता जी। जी कोई ऐसी बात ही नहीं, कोई पत्थर वत्थर जो मिला हो चोट मारी हो वो ले गए पुलिस वाले? हाँ वो ले गए, ईट ले गए। हाँ ले गए, वो सामान जो यहाँ मौके मिला लेगी पुलिस? हाँ सब कुछ लेगी। देखो वो तो ये दिमाग के रूप से कमजोर है सर, और कुछ भी है लेकिन गुनाह तो है। हाँ गुनाह तो है ही, ये जान ली है, किसी की हत्या की। इधर मुकर लो आप लोग जी, किसी की हत्या की हो, गुनाह तो गुनाह ही है, छोटा गुनाह नहीं बड़ा है। और वो जो तीन तीन बेटी हैं वो सारी उम्र उनको कैसे सबर आएगा जो माँ खोई गई? बिल्कुल, एक भगवान तो कुर दे कुछ भी सबर आ जाए। हाँ हाँ जी बिल्कुल, माँ का सबर आता ही नहीं है, लेकिन बाप के हाथों माँ जाना मार मार के ना जान जाए वो गैर मामूली। ये दिखाऊंगा मैं, ये वो जगह है जहाँ रमबोली माता जी का अजड़ा शरीर यहाँ से उठाया गया और ये वो सामने बटोरा है मैं दिखाऊंगा जहाँ से वो गोश्त निकालने के लिए दोनों आए थे और यहाँ उसके ऊपर हमला हुआ, ये जगह बताया गया हमला हुआ है और यहाँ उसके ऊपर ईंधन सूखा फूस डाल के कुछ गोश्त डाल के उसको जलाने की कोशिश की है, बल्कि शव को खुर्द खुर्द करने की कोशिश की है। आज उसको साइको कहें या सनकी कहें या दिमागी रूप से कमज़ोर या खुंदक या तकरार, इस बात के बारे में कोई जांच में आगामी कार्रवाई पुलिस करेगी तभी सामने आएगी, लेकिन अभी गांव वाले परिवार सभी के सभी सदमे में हैं क्योंकि कोई पिक्चर सामने नहीं आ रही है कि मारने की वजह क्या थी, क्योंकि ये है ना जी। बिल्कुल कोई पता नहीं, यहाँ कोई मकान वाले पास में है? यहाँ मकान तो ही हुआ है जी, मैं एक दो मकान वाले हैं यहाँ जी, इनसे बात करने की कोशिश करूँगा, ये पड़ोसी है, मैं एक दो बात यहाँ जानने की कोशिश करूँगा। हाँ जी नमस्कार। नमस्कार, अपना शुभ नाम क्या है सर जी? राजेंद्र जी। राजेंद्र जी, आपके घर के मातर ये मुश्किल से 50 मीटर दूरी पे ये वाका हुआ होगा, सामने बटोरा दिख रहा जो जी, यहाँ कैसे कैसे हुआ जी, कुछ जानकारी हो आपको? उनके बारे में कुछ झगड़ाबाजी था उनका आपस में कोई? हाँ जैसे पब्लिक भेड़ी हुई जी तो आपस में उनको घर को झगड़ बता रही है जी। जी कोई महीनों हुआ, धीरे धीरे लड़ाई दंगे होती रहती हैं घर में, घर में सबको आती है, सबकी होती रहती है। लेकिन यहाँ आपको कैसे खबर लगी है कि यहाँ इतनी बड़ी वारदात होगी? ये गोम सगड़ो भेड़ो होगो, हम तो सो रहे भीतर, हमें दिन की बात है, 11 बजे कोहरा घुट रहा था, कोहरा हटो हवा सी चल रही तड़की कल, और इतनी भी खोजी सरयाम रास्ते के ऊपर है बिल्कुल। हाँ यहाँ आवागमन है, ये नहीं कि कोई जंगल में ले जा काम किया ऐसा। ना ना ना, अरे रोज की आए हुए बेचारे दोनों और खूब बढ़िया बोले बता, कोई न्यू भी ना ले पागल हो, कोई मतलब ही नहीं। दोनों आए एक साथ है? दोनों एक साथ आए, एक बार गिर आई उपड़ान लो और दोबारा फिर आए, वो तो आप रहे हो ऐसे सुनने मारी जिन्हें देखो। देखो परिवार लड़के से साफ साफ एक दो बात हुई है, हालांकि जिसकी माँ मारी जाए पिताजी वो बच्चा भी बेचारा हॉस्पिटल में ही अभी तो। आपके सामने धर्म संकट की लड़ाई है, पिताजी को बचाना चाहेंगे, माँ को इंसाफ दिलाएंगे, बोला जी माँ तो चली गई, पिताजी और चला जाएगा तो तीन तीन बहन है बिना शादी के,
सर्विस कराई जी, उतर सर्विस कराई बेचारी, स्कूल में लग रही झाड़ू लगावे स्कूल में सरकारी, 18-20 हज़ार रुपये ले रही बेचारी। देखो काम मेहनत कर रही थी, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, लेकिन किसी की जान लेना ये भी छोटा काम है। खूब बढ़िया ताप रहो, खूब बढ़िया ऐसे बता रहे हो, ताप रहे हो। ऊपरा एक गट्टा में गिर आई घर और दूसरे को दो बार यही बैठ ताप तो रहे हो इतने, कोई न्यूनो लगे पागल हर चौथे दिन में हफ्ता भर में। पहले ऐसा लगे जी कभी, जैसे वो बता रहे ना, कि दिमागी रूप से कमजोर पहले था ऐसा कभी? ना जी हमने इतना सुनी बेकार, कहने लगा हम। तमाम बातों की जानकारी आपको दी है, इसमें आप लोग अपनी अपनी राय जरूर देना, क्योंकि ये घर मुश्किल से 50 मीटर दूरी पे है, 50 मीटर भी नहीं है जी, 150 फुट नहीं है जी यहाँ से, और भी पास में ही है, 40-50 मीटर दूरी पे होगा, लेकिन हाँ जी 100 फुट दूरी है जी, जी 30-40 मीटर कह सकते हैं जी। तो तमाम बातों की जानकारी परिवार ने गाँव वालों ने दी है, किसी बात की पुष्टि मीडिया की नहीं है, और उस माता जी के लिए आप लोग अपनी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देना, ताकि लोग, जनता एक जनार्दन है, सच्चाई का आईना है, क्या सच्चा है क्या नहीं, और इसमें ज्यादा शेयर करते रहना, और बना लोक शक्ति मीडिया से, धन्यवाद, सत्य में जयते।